वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न होने के बाद आंकड़ों को लेकर कई खबरें सामने आई, लेकिन अब एक नई राजनीति राजस्थान में शुरू हो गई है। दरअसल बीते कुछ दिनों से चिट्ठी पॉलिटिक्स की खूब चर्चा हो रही है। आंदोलनों के लिए मशहूर राजस्थान किरोड़ी बाबा, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सरकार में कृषि मंत्री हैं, उन्होंने बीते कुछ दिनों जिस तरह से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठियां लिखी, उससे प्रदेश की राजनीति में एक नए भूचाल की आशंका जताई जा रही है। किरोड़ी लाल मीणा ने बीते एक महीने में जयपुर की गांधीनगर बिल्डिंग निर्माण प्रोजेक्ट, ERCP समेत चार अलग अलग पत्रों के जरिए अपनी ही सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। इसके बाद अब उन्होंने अकल पट्टा मामले में PM मोदी को भी एक चिट्ठी लिखी। इन चिट्ठियों के बाद मीणा के इस रवैये से कई सवाल उठने लगे। सियासी गलियारों में चर्चा है कि ये तीर छोड़ा तो गया कांग्रेस के लिए, लेकिन निशाने पर CM भजन लाल है। अब इसकी वजह भी समझ लीजिए। किरोड़ी को आपत्ति इस बात पर थी कि राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने के बाद भी इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, बल्कि आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। मीणा ने PM को भेजे गए अपने पत्र में अशोक गहलोत सरकार में UDH मंत्री रहे शांति धारीवाल और कोर्ट में गलत रिपोर्ट पेश करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मीणा ने अपने पत्र में कोटा में विकास कार्यों में शांति धारीवाल और अशोक गहलोत पर मिलीभगत का भी आरोप लगाया है। ये पहली बार नहीं है कि किरोड़ी ने राजस्थान भाजपा सरकार को घेरा हो। इससे पहले भी किरोड़ी लाल 3 अलग अलग पत्रों के जरिए भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी ही सरकार की मंशा पर सवाल उठा चुके हैं। पहले पत्र में किरोड़ी लाल मीणा ने जल जीवन मिशन में घोटाले का मुद्दा उठाया तो सरकार को सभी टेंडरों को निरस्त करने की कार्रवाई करनी पड़ी। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में लिखकर ERCP योजना में जल संसाधन विभाग पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे, तो वहीं गांधीनगर बिल्डिंग निर्माण प्रोजेक्ट में 1146 करोड़ रुपए का घोटाला होने की संभावना जताई थी। सिर्फ मीणा ही नहीं बल्कि राजेंद्र राठौड़ भी CM भजन लाल को चिट्ठी लिख चुके हैं। तो इन दिनों राजस्थान में चिट्ठी वाली जो नई राजनीति शुरू हुई, उसका असल मजूम क्या है, ये तो 4 जून को नतीजों के बाद ही पता चलेगा। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी।